इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लीन और साफ सुथरा डेटा के 10 नियम। अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो उसको एनालाइज करने का मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। क्लीन डेटा को हम अच्छा डेटा भी बोलते हैं। अच्छा क्यों? बिकॉज एनालिसिस आराम से आसानी से हो जाता है। जब डेटा अच्छा हो जाएगा तो पहली चीज करनी है उसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वो एक्सेल और पावर बीआई दोनों के लिए लागू है। सो ये है 10 नियम। हर एक नियम को हम देखेंगे, पहले समझेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे उसको क्लीन करना है। पहला नियम, हर कॉलम में अपना नाम होना चाहिए। यह सिंपल लगता है लेकिन सिंपल नहीं है। ये देखिए, इधर क्या है, एंड्रॉइड लिखा है, टैबलेट लिखा है, दो अलग सेल में लिखा है। एक कॉलम का नाम दो सेल में नहीं हो सकता है। इसका नाम इधर लिखा है, इसका नाम इधर लिखा है, वो भी गड़बड़ है। दोनों को मर्ज सेल कर देंगे, वो भी गड़बड़ है। सही तरीका क्या है कि समझने का, नाम में एक ही चीज की बात होनी चाहिए। इधर क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोन और टैबलेट साइज की बात हो रही है। दो मतलब एक कॉलम गड़बड़ है, हर एक मतलब के लिए अलग कॉलम। तो सही तरीका यह है, रीजन ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप और क्वांटिटी। फिर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, टाइप आए या रीजन आए, कोई टेंशन नहीं। यह तो बहुत सिंपल है, ब्लैंक हेडिंग नहीं होना चाहिए। जहां भी कॉलम में नाम नहीं है उधर कुछ तो नाम डाल दो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं तो अगर एम्प्टी चीज है तो उसको वो अपने आप नाम दे देगा। वो नाम हम हाथ से चेंज कर सकते हैं। तीसरा रूल, दो कॉलम के नाम सेम नहीं हो सकते। अभी ये देखिए, परचेज डेट एक्सपायरी डेट, इसको ऐसा करके नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, परचेज डेट एक्सपायरी डेट सिंगल सेल में वो चलेगा। मर्ज सेल बहुत ही तकलीफ वाली चीज है, करना आसान है लेकिन उसको एनालाइज करना इम्पॉसिबल है। याद रखिए, हम इनपुट की बात कर रहे हैं। आउटपुट में मर्ज सेल डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनपुट में नहीं चाहिए। ये देखिए क्या होता है, इधर नॉर्थ और साउथ में मर्ज सेल्स है, उसको अनमर्ज करेगा तो क्या होगा, ये सेल एम्प्टी है, उसको कुछ नाम आ गया, गड़बड़ है। दूसरा क्या है, नॉर्थ अमाउंट नॉर्थ डिस्काउंट ऐसा डाला, ठीक है, लेकिन नाम में ही दो मतलब आ गए, रीजन कौन सा है और अमाउंट है कि डिस्काउंट है, तो ये भी गड़बड़ है। तो सही चीज ये है, आपको आश्चर्य होगा कि ये सही और क्लीन डेटा है। फॉर्मूलाज हेडिंग में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हेडिंग्स कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। अभी इधर क्या किया मैंने, फॉर्मूला डाल दिया, +1 +1, ये नहीं चलता है। फॉर्मूला निकाल दिया तो चलेगा, लेकिन दूसरा रूल हमने समझना चाहिए। क्या रूल है, हर कॉलम को नाम होना चाहिए। ये कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट। इस कॉलम का नाम क्या है, 2013 2014, ये तो नाम नहीं है, ये तो डेटा है। सो जहां नाम की जगह डेटा आया वो गलत है। ये देखिए इसका सही फॉर्मेट, अभी सिंपल हो गया, जो चाहिए एनालिसिस मिलेगा, टेंशन नहीं। हर कॉलम में एक ही मतलब होना चाहिए, एक ही मीनिंग होना चाहिए। कैसे, अभी इधर देखिए, ये टाइप बोल के कॉलम है, इंश्योरेंस का है, ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस है, स्कूटर का है, बिजनेस का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का अलग होता है, शॉप का अलग होता है। सो टाइप है, सब टाइप है। एक कॉलम में दो मतलब बराबर नहीं, दो कॉलम दो मतलब बराबर। हर कॉलम में एक ही तरीके का डेटा होना चाहिए। अब इधर देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, ये ब्लैंक आ गए। अभी डेटा और एक्सेल के हिसाब से ब्लैंक तो ब्लैंक है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई ब्लैंक का मतलब है जैन, कोई का मतलब है फेब, कोई का मतलब है FY19, गड़बड़ है। सो इनको भरना चाहिए। एम्प्टी सेल का रख सकते हैं, लेकिन जब एम्प्टी का मीनिंग ये है कि
कि हमको नहीं मालूम है या जीरो है तो ठीक है। हम इनपुट डेटा की बात करें जो अंदर आ रहा है, हम रिपोर्ट बनाने के बाद सब टोटल डालेंगे ज़रूर, बट जो रॉ डेटा है जिसको देखना नहीं है हमको, उससे देखने लायक कोई रिपोर्ट बनाना है उसमें क्यों चाहिए ये सब टोटल। तो ये देखिए इधर क्या है, ये डेटा है, ये टोटल इन दोनों का है, ये टोटल इस दोनों का है और ये चारों का टोटल है, क्यों ज़रूरत है? आउटपुट में करो, इनपुट में टोटल नहीं चाहिए। हमने बहुत रूल समझे अभी, सिर्फ एक रूल का प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल निकालने से ये डेटा क्लीन नहीं होगा क्योंकि उसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं। कॉलम में एक ही मतलब होना चाहिए, इधर ये स्पेस क्यों रखा है एक्स्ट्रा? क्योंकि ये टाइप है, ये सब टाइप है, ये उसके नीचे वाला है, सो तीन मीनिंग है एक में। इधर क्या है, ये तो नाम है ही नहीं, ये तो डेटा है, तो इसका सही डेटा ऐसे दिखता है। ये देख के डरना नहीं, इसमें रिपीटेशन दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, रहने दो रिपीटेशन। जब उसका एनालिसिस करोगे एक पिवट टेबल में जो चाहिए मिल जाएगा फटक से। ये भी ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली हम ये गलती करते हैं। अब इसमें देखिए किसी ने पीला डाल दिया, लाल डाल दिया, पीला का मतलब क्या है, लाल का मतलब क्या है, किसको पता है? जिसने डाला उसको है, हाँ ठीक है मैंने डाला, मुझे पता है येलो क्या है, क्यों डाला है, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, सो कन्फ्यूजन है। अपना रूल क्या है, कोई भी मीनिंग होगा उसके लिए कॉलम बनाने का, तो ये सही है, जो भी लिखना है लिखो, अलग कॉलम डालो, कॉलम जितने चाहिए डालो, चिंगुसगिरी नहीं करने का, ज़्यादा कॉलम ज़्यादा फायदा। उसके ऊपर फॉर्मेटिंग चाहिए नो प्रॉब्लम, उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके लाल पीला करना है कर लो, कोई टेंशन नहीं। पहले डेटा उसके बाद लाल पीला, डेटा के बदले में लाल पीला नहीं। अभी ये हमने पहले भी देखा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि जो भी डेटा है वर्टिकली नीचे की तरफ ग्रो होना चाहिए, राइट साइड की तरफ नहीं होना चाहिए। ये मस्टर है अटेंडेंस का, हर डेट के लिए एक कॉलम डालना वहीं से बढ़ते रहा उधर गलत है। इसमें दूसरा प्रॉब्लम है, ये क्या है, कॉलम का नाम है नहीं, ये तो डेटा है, फिर वापस गड़बड़। सो ये सही है, कितने भी एम्प्लॉय आने दो, कितने भी दिन आने दो, ये नीचे बढ़ता रहेगा। वर्टिकली ग्रो अच्छा, हॉरिजॉन्टली ग्रो खराब। सो ये हो गए अपने 10 नियम। अभी तो आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, पहले डेटा आया उसको एनालाइज मत करो, देखो पहले हर एक कॉलम में देखो कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, नंबर 1 ठीक है, नंबर 3 गड़बड़ है, अभी समझ गया 3, 6 और 9 इसका प्रॉब्लम है, तो उनको जाके रिपेयर करने का। ऐसा हर कॉलम को करेंगे तो डेटा क्लीन हो गया, फिर उसको एनालाइज करेंगे। अभी एक ही चीज़ मिसिंग है, एक ही चीज़ पता नहीं है कि करना कैसे है, तो उसके लिए जो एक्सेल होगा या पावर बी आई होगा एक ही चीज़ से काम होता है, हाथ से पाँव से नाक से काम नहीं करना है, मैक्रो नहीं लिखना है, दोनों में एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिसको बोलते हैं पावर क्वेरी। सो ये जो भी प्रॉब्लम हमने देखे अभी तक उनका इलाज क्या है, पावर क्वेरी, और वही हम देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में। ये मैं हूँ, डॉक्टर था पहले लेकिन डॉक्टरी छोड़ा 30 बरस पहले, इसी में काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों को सिखाया और भी सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ तो दुनिया को बताइए। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और समझेंगे कि डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।